बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दाल रोटी देने से कर जो सरकार निकलती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो प्रोटेस्ट था, ये यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने प्रोटेस्ट रखा था। जिस तरीके से रोज महंगाई बढ़ रही है, आप देखें गैस पेट्रोल के रेट देखें, गैस सिलेंडर के रेट देखें, डीजल पेट्रोल के रेट देखें, वो किस तरीके से आसमान छू रहे हैं। जो एक गरीब इंसान 400-500 रुपया कमाने वाला है, वो किस तरीके से अपने घर का जो चूल्हा जलाएगा। ये सरकार कहती थी कि हम गरीबी खत्म करेंगे, मुझे लगता है ये गरीबी नहीं, ये गरीब को ही खत्म कर देंगे। आज कहाँ हैं वो लोग जब गैस के रेट बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी जो है वो सिलेंडर लेकर रोडों पर बैठ जाती थी। बीजेपी के सांसद आपको याद होगा कि जब इसके डीजल के रेट बढ़ते थे तो वो टांगा लेके पार्लियामेंट के अंदर मार्च करते थे। आज कहाँ हैं वो लोग। और दूसरा नंबर जो हमारा यूथ है वो आज इतना अनएम्प्लॉयड हो रहा है कि वो इसकी वजह से जो है वो नशों की तरफ एडिक्ट हो रहा है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। आप देखें पिछले साल से जो है रिक्रूटमेंट जो बेल्ट फोर्स की हैं वो 2-3 साल से नहीं हो रही हैं, क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे वो इंडियन आर्मी हो। हमारा जो सांबा का यूथ है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है बेल्ट फोर्स में जाना, लेकिन वो पिछले कुछ सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। और आप माइनिंग माफिया देखें किस तरीके से माइनिंग ने लूट में जाई हुई है। जो यहाँ पर हमारे लोगों को 800 रुपये का ट्राली मिलती थी वो आज 2500-3000 रुपये की मिल रही है। ये मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मिली भगत है, इसलिए जो है इसके रेट जो है कंट्रोल नहीं हो रहे। आज का जो प्रदर्शन था वो सांबा की यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से था और उन्होंने सबको इनवाइट किया था। उसमें हम सब लोग शामिल हुए जो हम पार्टी के लोग हैं।